हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज तो दोस्तों हम लोग बहुत पहले से सोच रहे थे कि कहीं हम लोग जाएंगे और कुछ नया करेंगे करके, तो वो दिन आ चुका है। तो आज हम लोग दोस्तों एक ऐसा पहाड़ है जिसको हम लोग ना बचपन से देखते आते थे, मतलब मैं कभी भी कासाबिल जाता था तो मैं वो पहाड़ को हमेशा देखता था। उस पहाड़ को ना हम लोग भैया बहन पहाड़ के नाम से जानते हैं, और मम्मी लोग पापा लोग हमेशा बचपन से बताते थे कि वो जो पहाड़ है भैया बहन पहाड़ है और बहुत ही ऊंचा है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब सुनने में तो अच्छा लगता है। तो सोचा कि क्यों ना हम लोग भाई उसमें चढ़े और देखें कि कैसा है कैसा नहीं है। तो सोचे कि आज आप लोगों को लेके चलेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे दोस्तों। तो आप लोग जो है ना वीडियो पे बने रहिएगा। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं दोस्तों चिंगरा पखना। ये चिंगरा पखना है जो हम लोग के घर से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी में है, और कासाबेल से आगे आएंगे इधर बगीचे रोड में तो वहाँ से भी लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी में है। तो हम लोग सोचा बोला जाए तो हम लोग एकदम बीचों बीच में है और आप लोगों को लेके चलेंगे। और देखिए यहाँ पे हम लोग चिंगरा पखना पहुँच चुके हैं और यहाँ पे लगा हुआ है पोस्टर भी, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग चलेंगे और आप लोगों को भी लेके जाएंगे। मेरे साथ मंजीत भाई भी है और दिवाकर भाई भी है, मिलवाऊंगा सब लोगों से और हम लोग तीनों जन मिल के चलेंगे। और शायद शायद और एक भाई आने वाला है, दीपक, ऐसा करके तो बता रहा था दिवाकर। तो देखते हैं कैसा सीन होता है। अभी ना समय सुबह का मतलब 5:30 हो चुका है और चलेंगे दिखाएंगे और हो सके तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा। कैसा लगा कमेंट करिएगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो बस दिवाकर भाई के इंतज़ार है, उसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे एकदम भैया बहन पहाड़ और आप लोगों को ऊपर से पूरा फुटेज दिखाएंगे। तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुँच गए दोस्तों अपने एरिया का सबसे ऊँचा पहाड़, सबसे बड़ा पहाड़ आप लोगों के यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए और वहाँ से ना हल्का हल्का सूर्य निकलने वाला है, सूरज का रोशनी निकल रहा है। और देखिए मिल लीजिए मंजीत भाई से। मंजीत भाई गुड मॉर्निंग। और इधर दिवाकर भाई वेलकम। तो हम लोग आज तीनों चढ़ने वाले हैं, एक भाई आने वाला था लेकिन नहीं आया ना दीपक, नहीं। हाँ तो नहीं आया, मिस कर रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। तो हम लोग चलने वाले हैं, चढ़ने वाले हैं, ट्रैकिंग करने वाले हैं और आप लोगों को भी ले जाएंगे दिखाएंगे। तो सबके अपना अपना सामान पकड़ लिए। तो हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, निकल चुके हैं और आ रहे हैं अपने भाई लोग भी, और सबकी अपना अपना जितना भी सेटअप है ना सब पकड़ ली, ठीक है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। ये पहाड़ है दोस्तों, तो इसी में चढ़ना है हम लोग को और आप लोगों को भी चढ़ाना है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ और साथ ही साथ हमारे दोनों भाई भी एक्साइटेड हैं। तो चलिए चढ़ते हैं। अभी तो बस 5-6 कदम ही बढ़े हैं, अभी से सांस फूल रहा है भाई, फूल रहा है। और देखिए ऊपर में कुछ दिख रहा है, कुछ है तो नहीं, वो कुछ नहीं है। हम लोगों को उतना पता है नहीं कि ये पहाड़ चढ़ते कहाँ से। तो भाई डायलॉग आपने सुना होगा कि जहाँ से हम चलते हैं वहीं से रास्ता शुरू होता है, तो चलो रास्ता वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हम लोग चलेंगे, जहाँ से दिवाकर चलेगा, जहाँ से मंजीत भाई चलेगा, तो वहीं से रास्ता स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए चलेंगे। अच्छा हाँ चल, कोई बात नहीं, चलना तो ही है। तो चलिए मैं इन दोनों को गाइड करके ले रहा हूँ और डंडा पकड़ चुका हूँ, आप लोगों को लेके चलता हूँ। रास्ता नाप चुके हैं और हम लोग ना थक गए हैं, मंजीत भाई को लगी है प्यास और उसके साथ साथ मेरे को भी लगी है प्यास। तो भाई प्यास पिएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नाश्ता बिना किए इतना जल्दी सुबह सुबह नाश्ता करता भी कौन है। तो चलिए अब आधा रास्ता नापना बाकी है, तो भाई पानी पी लेते हैं, चिल्ड पानी एकदम। दिवाकर भाई ना रात भर तो ले रहा था फ्रिज में, फ्रिज में ही रहता है। भाई तो चलिए पानी पी लेते हैं।
दोस्तों देखिए पहाड़ पीछे और मैं ना पहुंच चुका हूं और अपने भाई लोग भी पहुंच चुके हैं। देखिए पूरा थक गए हम लोग। अब यहां से हम लोग ना सीधा चढ़ना है। अब देखते हैं रास्ता कैसा है कैसा नहीं। अब कहां से चढ़े अभी समझ भी नहीं आ रहा है। हम लोग को खुद से रास्ता बनाना पड़ेगा। भाई साहब आप देख सकते हो विपिन भाई का चोट लग चुका है। कैसे लग चुका है तो देखिए खून निकल चुका है। दवाई लगा रहे हैं। ये है प्राकृतिक उपचार। इतना तो जरूरी है आप लोगों के लिए। भाई खून पसीना ऐड कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए इसको चढ़ रहे हैं अभी हमको। ये दोस्तों क्या मिल गया मुझे। ठीक है चढ़ते चढ़ते एक बार देखो कितना ऊंचाई में चढ़ गए हैं। और इधर दिखा मंजीत भाई भी आ रहे हैं और अपने भाई साहब को एक नया चीज मिला है। ये है मतलब एक शाही बोलते हैं, एक जीव है उसी का पंख है ये। ठीक है मम्मी मेरे को बताई थी कि ये शाही पंख है। तो चलिए खैर इसके बाद में बाद बारे में बाद में बात करेंगे। दोस्तों हम लोग जो है काफी ऊंचाई आ चुके हैं और पूरा गला सूख रहा है पता है। पूरा हाँफते हाँफते चढ़े हुए हैं और समय भी काफ़ी हो चुका है और पूरा हालत बैंड हो चुका है। ठीक है हम लोग कितने बजे चढ़े थे और उस समय कितना रात था अभी और कितना। तो दोस्तों क्या ही नज़ारा है आप लोग देखिए और बताइए ना। इतना मज़ा आ रहा ना यहाँ पे देख करके। मैं कि सोचे नहीं थी कि इतना यहाँ देखने को मिलेगा और इतना खूबसूरत नज़ारा है ना। और थका हुआ का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और सभी तरफ आप लोग नज़र घुमाओगे ना तो सिर्फ हरा भरा और पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएगा और पूरा बेहतरीन नज़ारा है दोस्तों। तो आप लोगों को ना हल्का सा तो नहीं पूरा इधर के ड्रोन फुटेज लेंगे और आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। और जो हम लोग थके हैं वो थका हुआ पूरा पता ही नहीं चल रहा है। दिवाकर भी थक गया, मंजीत भी थक गया, सब कुछ थक गए हैं। तो बस अभी हम लोग ना फटाफट से फुटेज लेते हैं उसके बाद हम लोग को उतरना भी है। तो देखिए यहाँ का आप लोग ड्रोन व्यू लेंगे। ठीक है पूरा मज़ा आएगा पूरा।
जो है दोस्तों आधा से अधिक उतर चुके हैं और पूरी तरीके से थक गए हैं, और हम लोग उतर ही रहे थे, अपना मंजीत भाई का पैर में मोच आ गया है, वो तो चलने में उसको दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे करके उतर रहे हैं। तो देखते हैं अब कितना टाइम लग जाएगा उसको, दाहिने पैर में ना मोच आ गया, अच्छा बायां पैर में लग गया। तो हम लोग दोस्तों पहाड़ से उतर चुके हैं और हम लोग का हालत पूरी तरीके से बैंड लग चुका है, बैंड हो गया है, और मतलब चलने के कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। सबसे दिक्कत तो मंजीत भाई को हो रही है जिसका लंगड़ा रहा है, और इतना समय हो गया ना उतरते और चढ़ते, चढ़ने में काफ़ी टाइम, उतरने में काफ़ी टाइम, बाकी अफसोस तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग को हद से कुछ ज़्यादा ही नज़ारा देखने को मिल गया। देखिए आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रहा है, दोस्तों सामने जो आप लोग देख रहे हो ना, यही वाला हम लोग पहाड़ चढ़े थे उस सामने वाला चोटी में, और ये बगल वाला पहाड़ का हम लोग आप लोगों को ड्रोन फुटेज दिखाए और सब फुटेज दिखाए, और मतलब घूमे फिरे पूरा हालत बैंड हो गया। मंजीत भाई का तो पैर पे मोच आ गया, दिवाकर का तो तरीके से हालत बैंड हो गया, ठीक है, तो पूरी तरीके से थकवा दिया दोस्तों, और हम लोग ना अभी कुछ करने के हालात में नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, ट्रैकिंग वाला हम लोग कुछ नया करने का कोशिश कर रहे हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो ऐसा ही कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम लोग ऐसा ही नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, वैसे तो अपने एरिया का सबसे बड़ा पहाड़ ही है, तो हम लोग ऐसे कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आप लोग अच्छी रहेगा, अपना ध्यान रखिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ऐसा ही प्यार देते रहिएगा दोस्तों, अच्छी रहिएगा।